सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम एक पंडित के बारे में बात करने जा रहे हैं। उस पंडित ने एक मुक्त इंसान को, एक मस्त मौला फकीर को रिप्लाई करते हुए बहुत मीठी ढंग से शास्त्र की सहयोग लेकर आचार्य प्रशांत जैसे मुक्त इंसान को गलत दिखाने की कोशिश किया है, और वो पंडित है अमोघ लीला जी। तो पहले तो हम उनका थोड़ी सी क्लिप देख लेते हैं आचार्य प्रशांत जी को लेकर के। तो पहली बात तो हमारा किसी को लेकर नेगेटिव मत नहीं रहता है, और हम सब वास्तव में सनातन धर्म के परिवार हैं। उसे भले कोई अद्वैत का पालन करे या भक्ति का पालन करे, लेकिन है तो हम सब के सब सनातन धर्मी, तो इसलिए हम सब एक ही परिवार। तो अमोघ लीला जी, आपका इतना साल हो गया सनातन धर्म में, अभी तक आपको इतनी छोटी सी बात भी समझ में नहीं आया कि सनातन धर्म का मूल उद्देश्य क्या है। आपको बस इतनी छोटी सी बात भी समझ में नहीं आया? हाँ, सनातन धर्म का मूल उद्देश्य ही यही है कि आपको पहचान रहित करवाए, आपको खाली करवाए, आपको शून्य करवाए, तभी तो शांति आएगा, तभी तो प्रेम खिलेगा आपके अंदर। आप कह रहे हो कि हम तो है सनातन धर्मी, हम सभी सनातन धर्मी है। अरे भाई, क्यों कह रहे हो कि हम सब सनातन धर्मी है और हम एक है, और जो दूसरे धर्म के है वो हमसे अलग है फिर? हाँ, ऐसे आपने कौन सा प्रेम सीख लिया, कौन सा भक्ति मार्ग है यार जो दूसरी धर्म के लोगों को अलग दिखाता है? कौन सा भक्ति मार्ग है भाई? हाँ, अभी तक आपने इतना भी नहीं जाना कि हम सब एक है। धर्म तो बस इंसान ने बनाया है, इंसान की खोपड़ी का खोज है धर्म। अभी तक इतना भी समझ में नहीं आया? हाँ, समझ जाओ ना यार। कब समझोगे, कब समझोगे कि यहाँ की सारी धर्म इंसान की खोपड़ी ने बनाया है? हाँ, हमारा कोई भी धर्म नहीं हो सकता, ये कब समझोगे? और सारी धर्म सिखाता है यही है कि तुम्हारा कोई भी धर्म नहीं हो सकता, तुम पहले से ही मुक्त आत्मा हो, सभी धर्म यही सिखाता है। फिर भी ये धर्म के जो भी ये पुजारी पंडित होते हैं, ये लोग क्यों यार, क्यों अपनी धर्म को बचाने में लगे हुए? समझो ना धर्म को, धर्म में जो बातें सिखाया है वहां पर उसे समझो ना। क्या सिखा रहे हो यार, शून्य हो जाओ ना, शांत हो जाओ। आप अभी तक पहचान रहित भी नहीं हुए और क्या सिखा रहे हो आप लोगों को? हाँ, सो नाउ वी विल टेक वन बाय वन आर्गुमेंट जो कि आचार्य प्रशांत जी के फॉलोअर्स ने प्रस्तुत किए, जस्ट टू क्लैरिफाई द डाउट, और कुछ भी नहीं। सो सबसे पहले जो कोटेशन था जिसमें कि मैं बोल रहा हूँ कि अबाउट आचार्य प्रशांत जी, हु हैज गिवन हिम दिस अथॉरिटी ऑफ आचार्य, तो उसके लिए फिर आचार्य जी का एक जोश टॉक से एक वीडियो क्लिप निकाली गई कि जहां बोल रहे हैं जो पढ़ाता है वो आचार्य है, पढ़ाता है जो शिक्षक होता है उसको आचार्य बोलते हैं। बहुत सीधी सी बात है। जैसे अंग्रेजी में सर चलता है वैसे ही हिंदी में आचार्य कहा जा सकता है, तो आचार्य प्रशांत हो गया। तो जो पढ़ाता है वैसे वो अध्यापक होता है, टीचर होता है। आचार्य जो है ना, इज वेरी वेरी एग्जॉल्टेड स्ट्रेचर। ऑल्दो निश्चित रूप से आप जो पढ़ा रहे हैं हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आचार्य इज समथिंग वेरी हाई क्लास। जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, आदिशंकराचार्य, आचार्य इज फॉर सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज एक्चुअली। तो इसीलिए जैसे हमारे जैसे लोग हैं, वेल आचार्य, हम तो आचार्यों के सेवकों के सेवक हो सकें ये हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। तो इसलिए आचार्य भला हम किसको पुकार सकते हैं? Anybody who teaches is आचार्य। Well, let's see one quotation from शास्त्र। So यजुर्वेद से है, Canto 3, Chapter 3, Verse Number 1। यद्दहि आचरस्य शुचिर भवति तद्दहि विद्यानां शुचिर भवति। इसकी ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, When the आचार्य is pure, then the knowledge imparted by him becomes pure। So यहां बताया जा रहा है कि आचार्य को he should be pure। But we saw unfortunately some of the pics of आचार्य प्रशांत जी स्मोकिंग। देखिए बहुत दुख हुआ, जो लोग इसका मुद्दा बना रहे थे कि हाँ तो धूम्र सत्य जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं है, ये देखकर हमें बहुत दुख हुआ कि जो व्यक्ति लोगों को अच्छी बातें बता रहा है उसका इस प्रकार से उपहास उड़ाना गलत बात है। हम प्रार्थना करें भगवान से निश्चित रूप से कि अगर ऐसी कोई आदत है भी उनको निकलने की शक्ति दे। खुद खुद को भगवान भी कहे क्या जाएगा, ये शब्दों में अर्थ किसने दिया है? हाँ, ये तो इंसान की खोपड़ी ने ही दिया है ना, शब्दों में कभी भी अर्थ नहीं होता है ना, अर्थ दिया है इंसान की खोपड़ी से, ठीक है। और जो मन की अवस्था से पार चला गया हो उसे ये पहचान से क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, ये पंडित लोग हमेशा ही शब्दों में बंधे हुए होते हैं यार, और अच्छाई बुराई इसी में फंस रहे होते हैं यार। कब समझोगे,
कब समझोगे यार कि शब्दों में कोई भी मूल्य नहीं है? कब आएगा तुम्हें ये ज्ञान? शब्दों से ऊपर उठ जाओ ना, कब तक बंदे रहोगे ज्ञान में, शब्दों में, अच्छाई बुराई में, कब तक यार? और आचार्य प्रसन्न तो कह ही रहे कि जब जरूरत पड़े इस शब्द को भी हटा देंगे, उनको तो खाली होना है, शून्य होना है, उस शब्दों से परे उठ चुके हैं। कब समझोगे तुम हाँ पंडित, कब समझोगे? शास्त्र से बात निकालकर आचार्य प्रसन्न जैसे मुक्त इंसान को गलत दिखा रहे हो। शास्त्र से बात निकालकर जो मुक्त है उसका हर एक शब्द शास्त्र बन सकता है, उसे आप शास्त्र से गलत दिखा रहे हो। कहाँ का समझदारी है हाँ? क्या यार ये पंडित यार। चलो छोड़ो यार, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।